नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का सीआईटी एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं कृति वढेरा जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ स्वयं प्रभा के चैनल नंबर 31 एनसीईआरटी किशोर मंच से। और आज की ये जो चर्चा है परफॉर्मिंग आर्ट्स की रहेगी, जो कि सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। और इस बातचीत का जो आज टॉपिक रहेगा, हरियाणवी जो लोक संगीत है उसमें निहित जो लोक कथाएं हैं उस पर हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मैं परिचय कराना चाहूंगी डॉक्टर संध्या शर्मा का। मैडम नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर मंच पर। नमस्कार, धन्यवाद आपका जी। संध्या जी सॉन्ग परफॉर्मर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हरियाणा कृषि में हिसार में। और आज की इस बातचीत को और खास बनाएंगी, हमें और बताएंगी कि कैसे हरियाणवी लोक संगीत में लोक कथाएं का चर्चा की जाती है। और इस बीच में अगर आप हमारे एक्सपर्ट से कुछ सवाल पूछना चाहें, कुछ सलाह मशवरा करना चाहें, तो हमारे टोल फ्री नंबर्स डायल करें। नंबर रहेंगे 1800111265 और दूसरा नंबर रहेगा 1800112199। और ईमेल के जरिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी रहेगा cieet.kishormanch@gmail.com। और इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लॉग इन करें NCERT ऑफिशियल, और वहां भी लाइव चैट बॉक्स में आप कमेंट कर हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। तो आज की इस मज़ेदार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानना चाहूंगी मैडम आपसे कि क्या है ये आज का सेशन हमारा। कृति जी, सबसे पहले तो आपका और एनसीईआरटी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं आप लोगों के समक्ष अपने इस गौरवशाली अपनी परंपरा को आप लोगों के मध्य और बच्चों के मध्य रख पा रही हूँ। और आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वो है हरियाणवी लोक संस्कृति और उसमें निहित लोक कथाएं, यानी कि हमारी संस्कृति जो है उसके अंदर कथाएं किस सुंदर ढंग से पिरोई गई होती हैं, चाहे वो लोक संगीत हो, चाहे वो किस्से हो, किस तरीके से उनको श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ये आज की चर्चा का विषय रहेगा। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारी लोक संगीत से संबंधित जो ऐसी जानकारी जो अब तक हम लोग किसी के साथ शेयर नहीं कर पाए, तो वो भी मैं उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले बात ये उठती है कि लोक संस्कृति और लोक संगीत क्या है और इनके मध्य जुड़ाव कैसे पैदा होता है। ऑलमोस्ट लोग इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं, लोक संस्कृति को ही लोक संगीत कह देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। लोक संस्कृति वो संस्कृति होती है जहाँ पे आम जनमानस जो होते हैं वहाँ पर अपनी भावनाओं को रखते हैं, और आम जनमानस का जो एक ग्रुप होता है वो लोक संस्कृति की धरोहर को सहेजने का बहुत बड़ा एक प्रोसेस होता है। और उसी के साथ लोक संस्कृति जो है उसको अगर हम जान लेते हैं, किसी भी प्रदेश की अगर हमने लोक संस्कृति को जानना है, तो उसके लिए लोक संगीत से बड़ा कोई साधन नहीं है। किसी भी प्रदेश का अगर लोक संस्कृति को आपने जानना है, तो वहाँ के आचार व्यवहार को जानना है, वहाँ की संस्कृति से संबंधित जितनी भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको जानने के लिए लोक संगीत से बड़ा माध्यम हो ही नहीं सकता। तो लोक संगीत, जब आज हम बात करते हैं हरियाणा के लोक संगीत की, तो हमारा जो हरियाणा का लोक संगीत है वो भी अन्य लोक संगीतों की तरह सहज है, सरल है। हालांकि हमारी बोली थोड़ी अक्खड़ है, लेकिन हमारा लोक संगीत उतना ही प्यारा भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपसे मैं इस बातचीत को आगे ऐसे ही बढ़ाते हैं कि लोकगीत के माध्यम से कैसे पिरोई जाती हैं लोक कथाएं गीतों में, ये मुझे बताएं। देखिए, ऐसा है, लोक संस्कृति जो होती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विचार बिंदु रहती है, और उसी के साथ हमारी लोक संगीत जुड़ा है जी। जब हम लोक संगीत की बात करते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, इसके अंदर कंप्लीट जनमानस की बात होगी, कंप्लीट समुदाय की बात होगी, और ये उतना ही सरल है, सहज है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसके अंदर किसी चीज की भी आर्टिफिशियलनेस जो है, कृत्रिमता जिसको आप बोलते हैं, आडंबर से रहित है, और बिल्कुल ओरिजिनल और प्योर फॉर्म में जो है लोक संगीत जो है हमारे भावों को समेट के रखता है और उनको व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम रहता है। मनोभावों का जो निष्पादन होता है लोक संगीत से सुंदर हो ही नहीं सकता,
अब एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ जी, कि हमारे यहाँ पे अगर हमने किसी भी बात को कहना है तो हम सीधे तरीके से नहीं कहते, बात को थोड़ा घुमा के कहेंगे। जैसे कि अभी हमने अपने हस्बैंड से बात करनी है और उसको कहना है कि मेरी एक मेरा एक दामन मंगा दे, तो उसको सीधा उसको किस ढंग से व्यक्त करेगी, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जी, वो कह रही है लेडी कि मेरा, बहुत पॉपुलर सॉन्ग है हमारा यहाँ का लोकगीत है, मेरा दामन सिमा दे हो। दामन क्या है, हमारे यहाँ का फोक कॉस्ट्यूम है, जो हम लहंगा डालते हैं वो 52 गज का होता है और उसको दामन बोलते हैं हम लोग। मेरा दामन सिमा दे हो नंदी के बीरा, नंदी का बीरा कौन हुआ, उसका अपना हस्बैंड जी, राइट। तो वो घुमा के लेके आ रही है बात को, कह रही है मेरा दामन सीमा दे हो नंदी के बीरा, तन्नन्यू 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 आँखा पे रखू हो नंदी के बीरा। यानी कि कोई भी बात होगी उसको बहुत सुंदर ढंग से डायरेक्टली ना कह के उसको घुमा के बात करती हैं। तो हमारे यहाँ की लोक संस्कृति लोक संगीत के साथ बहुत ही सुंदर ढंग से जुड़ी हुई है, क्योंकि लोक संस्कृति के अंदर जनमानस आता है और उनका भाव, उनकी अभिव्यक्ति, उनका सुख, उनका दुख, उनकी सारी भावनाएं, उनके संस्कार, वो जो है वो लोक संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। और इन दोनों के बीच में हम इस तरीके से इन दोनों का परस्पर संबंध जो है मान सकते हैं। तो लोक संगीत की अगर हम बात करते हैं तो जब हम इसको देखते हैं तो हमारे यहाँ क्या है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जो है स्पेस नहीं दिया जाता है, उन लोगों की भावनाओं को जो है व्यक्त करना जो है बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो इशारों इशारों में इस लोक संगीत के माध्यम से जटिल मुश्किल से मुश्किल मुद्दों को जो है लोक गीतों के माध्यम से रखती चली जाती हैं, क्योंकि डायरेक्ट वो कह नहीं पाती हैं बात को और इस तरीके से बात करती हैं। और लोकगीत जो है उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का भी एक सशक्त माध्यम है, सहज आनंद का भी स्रोत है। यानी कि जो उनका उनके मन की जो पीड़ा है, उनके मन की जो खुशी है, उसको व्यक्त करने के लिए लोक संगीत जो है वो एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है। अब बात आती है लय की भी। लोक संगीत के अंदर जो हम लय का यूज करते हैं, जो हम जी लोक संगीत के अंदर जब हम रिदम की बात करते हैं कि कौन कौन सा हमारे यहाँ पे लय यूज होता है, कैसा रिदम यूज होता है, तो उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे बंधन नहीं है। जैसे हमारे भाव हैं, जैसे हमारी अभिव्यक्ति है, जैसा प्रसंग है, उसके माध्यम से लय को बांध दिया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए श्रृंगार रस से संबंधित कोई प्रसंग है तो वहाँ पे चंचल और मध्य लय की गति को बांध देंगे, और यदि वियोग और दुख से भरी कोई प्रसंग है तो उसके अंदर हम लोग जो है उसकी धीमी गति को लेके चलेंगे। यानी कि जो हमारा स्वाभाविक स्वभाव है उसी के हिसाब से ही स्वर और लय का बंधन हो जाता है जी। जब हम हरियाणा के लोक गायन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसको मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं, पहला है कथानक संगीत और दूसरा है हमारा मुक्तक संगीत। कथानक संगीत जिसके अंदर कथा आती है, किस्से आते हैं, जिन्हें हम सांग और स्वांग के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम हरियाणा का लोक नाट्य कहते हैं बेसिकली, यही हमारा सांग भी है और स्वांग भी, ये दोनों धाराएं जो है हरियाणा में साथ साथ चल रही हैं जी। और ये दोनों धाराएं लगभग पुरुष प्रधान धाराएं ही कही जा सकती हैं, क्योंकि महिलाओं का योगदान इसके अंदर बहुत कम रहता है। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये प्रश्न जरूर पूछते हैं कि आखिर सांग और स्वांग में क्या अंतर है जी। मैं भी आपसे संध्या जी यही जानना चाहती हूँ कि क्योंकि आपका जब मैंने परिचय दिया तब ये कहा कि आप एक स्वांग परफॉर्मर हैं, तो सांग और स्वांग के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे दर्शकों को प्लीज समझाएं। देखिए, जब हम सांग और स्वांग की बात करते हैं तो दोनों धाराएं एक दूसरे के बहुत करीब है, लेकिन स्वांग जो है भारत की प्राचीनतम लोक धर्मी नाट्य परंपरा है। यानी कि सांग जो है वो स्वांग की ही एक धारा कही जा सकती है। कैसे, देखिए स्वांग का मुख्य अर्थ है नकल करना, रंग भरना या वेश भरना। यानी कि जब हम किसी की नकल करने की चेष्टा करते हैं
और उसमें अपने कलर्स भर देते हैं, यानी कि अपनी जो है फीलिंग और अपने एक्सप्रेशंस को उसके अंदर डाल देते हैं, तो स्वांग की उत्पत्ति होती है। अगर हम बुकिश लैंग्वेज में बात करें तो जब हम अनथक प्रयास करने की चेष्टा करते हुए भी उसमें अपने रंगों का मिलान कर देते हैं और नकल को हूबहू ना करके उस नकल में अपने रंगों को भर देते हैं, तो स्वांग की उत्पत्ति हो जाती है। यानी कि स्वांग को हम उतना पुराना मानते हैं जितना कि इस धरती पे मनुष्य का जन्म है। यानी कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो अगर अपने माँ बाप को देखता है, उनको देख के वो बोलना सीखता है, उनको देख के उनकी नकल करते हुए वो चलना सीखता है, उनकी नकल करते हुए वो खाना भी सीखता है, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है और नकल कर करके जिसका भी इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आता है उसी को देख के वो आगे गाना सीखता है, वही इंस्पिरेशन आप उसको कह देते हैं। यानी इंस्पिरेशन के साथ जो है स्वांग की उत्पत्ति होती चली जाती है। यानी कि स्वांग की अगर हम बात करते हैं तो स्वांग का मूल अर्थ था कथा सुनाना। कथा सुनाना यानी कि कहानी कहना। रामायण की कथा है और उस कथा को जो है स्वांग के माध्यम से दो लोग सुनाया करते थे। बहुत साधारण ढंग से कहा जाता था कि एक जनाना एक मर्दाना। एक जनाना यानी एक औरत और एक आदमी मर्दाना मंच पर खड़े थे और एक ढोलकिया और एक सरंगी वाला साथ में खड़े थे। यानी कि पहले हारमोनियम तो होता ही नहीं था, हारमोनियम की जगह पे सारंगी का यूज होता था। तो यहाँ पे बहुत ही साधारण ढंग से चार लोग मिलके पूरी कथा को नाच गा के सुना देते थे। इम्पोर्टेंट बात ये थी कि कथा जो है बहुत ही सुंदर ढंग से और अपने पूर्ण रूप से श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत हो और उस कथा को श्रोता उसका आनंद ले पाए, ये उसका मूल पर्पस होता था। धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये बात तो बहुत पुरानी हो गई और उसके साथ कथाओं का प्रारूप भी बदलने लगा। यानी कि भारत जो है उनके अंदर जब प्रदेश विशेष के अंदर जब ये स्वांग की एंट्री हुई तो उस प्रदेश विशेष के अंदर भाषाओं की भी विविधता हुई। भाषाओं की जब विविधता हुई तो इसके नाम भी अलग अलग पड़ गए। जैसे यूपी में आज जो नौटंकी है उसे स्वांग के नाम से जाना जाता है और बेसिकली नौटंकी जो था स्वांग के अंदर कही जाने वाली एक कथा थी, फूल सिंह नौटंकी। फूल सिंह जो नौटंकी थी इतनी पॉपुलर हो गई यूपी के अंदर कि वहां पे लोग कहने लगे कि स्वांग देखने नहीं चलते, आज नौटंकी देखने चलते हैं। जैसे कि आप लगा लीजिए कि एक कॉलगेट की टूथपेस्ट है वो इतनी पॉपुलर हो गई कि लोग ये कहना भूल गए कि आप ब्रश कर लीजिए, वो कहने लगे कि कॉलगेट की के नहीं तूने। तो ऐसा ही इसके साथ हो गया कि फूल सिंह नौटंकी इतनी पॉपुलर हो गई कि लोग स्वांग कहना भूल गए और वो नौटंकी के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाने लगा। इसी तरीके से पंजाब में था, भाषा चेंज हुई, हरियाणा पंजाब पहले एक ही था, तो जब पंजाब के अंदर जो पार्ट था जो स्वांग को गाया जाने लगा उसको उसकी भाषा पंजाबी थी तो वो अखाड़ा में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो ये महाराष्ट्र में आई तो ये स्वांग ही जो था महाराष्ट्र में तमाशा के नाम से जाना जाने लगा। राम तो एक ही था ना, राम और कृष्ण तो एक ही थे जी। तो उनकी कथा भी एक ही थी जी। लेकिन जब भाषा बदल गई तो यूपी वाले यूपी के ढंग से सुनाने लगे तो उसको नौटंकी कहने लगे, है ना जी। और पंजाब वाले पंजाब के ढंग से कहने लगे तो उसको अखाड़ा कहने लगे। अच्छा, जब ये महाराष्ट्र में आई तो वो तमाशा बन गई, भगत बन गई, माच बन गई, खेल बन गई। और हमारे हरियाणा वाले वो थोड़े अक्खड़ थे तो उन्होंने सांग कर दिया। यानी कि जी। बात वही है, कथा वही कहनी है लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा तरीका बदल दिया। यानी आप उसको मान के चलिए कि आजकल बेड़े बनने लगे, जो पहले चार कैरेक्टर मिलके पूरी कहानी को सुनाते थे तो उसको सुंदर बनाने के लिए 10 से 12 लोग लग गए। अब वहां पे पात्र बढ़ गए, पात्र बढ़ गए तो वो बेड़े बन गए, बेड़े बन गए तो वो ग्रुप बन गए, ग्रुप बनने के साथ साथ इनके नाम अलग हो गए। तो आज हरियाणा में जो सांग है वो बेसिकली आप उसको स्वांग ही मानिए। मैं तो ऐसा कहती हूँ कि स्वांग को आप एक वृक्ष का मूल रूप मान लीजिए, उसकी जड़ मान लीजिए और ये सब उसकी शाखाएं हैं। भगत, माश, तमाशा, सांग, नौटंकी, ये सब स्वांग की विविध धाराएं हैं जो स्वांग को आगे लेकर चल रही हैं। तो मूल रूप स्वांग जो है वो कहीं ना कहीं गुम हो गया, उसकी जो सिंप्लिसिटी थी, उसका सब जो साधारणपन था वो कहीं ना कहीं आज जो है कम हो गया है। और सांग के रूप में और बाकी विधाओं के रूप में
उसके अंदर और नए ढंग से परिवर्तित रूप जो है वो आज हमें देखने को मिल रहे हैं। यही मेन रूप से स्वांग और सांग के अंदर जो है मेन डिफरेंस जो है हम लोग मान के चलते हैं जी। अब इसके साथ ही अब जब हम बात करते हैं मुक्तक संगीत की, ये तो हमारी बात हो गई कथा और किस्सों की। इसके अंदर हम लोग विविध तरह की कथाएं गाते हैं, जैसे कि इसमें डायलॉग थिएटर का भी आजकल एलिमेंट आ गया है, इसके अंदर थिएट्रिकल ढंग से भी परफॉर्म करते हैं, रागनियां गाई जाती हैं। इसके अंदर जो है फेरबदल की संभावना नहीं होती, कथा लिखी जाती है और उस कथा को उसी रूप में प्रस्तुत करना, उसके साथ छेड़छाड़ किए बिना जो है उसी रूप में प्रस्तुत करना, ये सांग की खासियत है। सांग की खासियत आप इसको मान के चलेंगे। परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि जब कथा के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते तो लेखक कहाँ से आ गए? जी बिल्कुल ठीक बात है, है ना जी। तो लेखक कहाँ से आए? अब लक्ष्मीचंद की भी बात होती है, मांगेराम की भी बात होती है, बाजा भगत की भी बात हो जाती है ना। तो फिर कथाएं तो वही थी, यानी कि देखिए कथा उन्होंने एक ही लिखी सबने मिलके। अब बात अगर हम करते हैं विक्रमादित्य की ले लें, जानी चोर की ले लें, ये अलग अलग कथाएं हैं, ये कथाएं पौराणिक हैं, ये किसी की लिखी हुई कथाएं नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया, कथा को अपने ढंग से ट्रीट कर दिया। यानी आप इसको ये मानिए कि कथा का पुट नहीं बदला, कथा बिल्कुल सेम रही, बट उसमें जो गायन शैली थी वो सबने अपने अपने ढंग से ली। जैसे कि अभी आपको मैं एक गीत सुनाती हूँ, वो दोनों विधाओं में आपको मैं बताऊंगी, आप लोगों को आइडिया पड़ जाएगा। जैसे कि अभी जानी चोर का है, धम्मल सुन रे के घर में से, धम्मल सुन रे के घर में से, बाट बटे की रे समर भवानी, जानी चाल्या चाल बटे की रे। चोर है वो, तो उनके यहाँ चोरी करने के लिए आया हुआ, उसको रूप भर सकता है, रूप भरने की वजह से वहां पे जो है धम्मल का जमाई बन गया और वहां पे उसकी उसकी बेटी के साथ जो है उसके साथ वहां पे श्रृंगार रस का ही एक गीत है। अब गीत तो यही रहेगा लेकिन इसकी धुन बदल देंगे। मांगेराम जी ने धुन बदल दी, बाजे भगत जी ने धुन बदल दिया, कहानी का जेस्ट वही रहेगा, राइट? और बात का जेस्ट वही रहेगा, गाने का जेस्ट वही रहेगा, लेकिन धुने बदल देंगे, कहने का अंदाज बदल देंगे। तो वहां पे जो है ये इस तरीके से लेखकों का इसके अंदर आगमन होता चला गया। जैसे अगर हम बात करें हीर रांझा की, हीर रांझा हर तरीके के आर्टिस्ट ने लिखा, लक्ष्मीचंद ने भी लिखा, मांगेराम ने भी लिखा और लेटेस्टली अभी मैंने भी लिखा हीर रांझा को। लेकिन हीर रांझा की कहानी के साथ किसी ने भी छेड़छाड़ नहीं किया। स्वांग का मेरे लिए अर्थ ये था कि मैं उसको पंजाबी में भी लिख सकती हूँ, स्वांग के अंदर भाषा का बंधन तो था ही नहीं ना, स्वांग का अर्थ तो कथा कहना था। तो जब लक्ष्मीचंद जी ने लिखा तो उसके उन्होंने रागनियां लिखी, उसके अंदर हरियाणवी शैली का यूज कर दिया, मैंने पंजाबी का यूज कर दिया। और जब मांगेराम जी ने लिखा या बाजे भगत जी ने लिखा, उन्होंने अलग ढंग से हीर रांझा को कहानी वही रखी लेकिन उसका जो है बताने का तरीका बदल दिया उसको। तो यही इसी तरीके से लेखकों का आगमन इसके अंदर होता चला गया, लेकिन कहानियां बिल्कुल भी उन्होंने छेड़छाड़ नहीं करी, कहानियां वही हैं। नई कहानियों का भी आगमन कुछ हुआ लेकिन लोग सुनते वही हैं, जो पौराणिक किस्से हैं, जो कथाएं हैं, हमारे महाभारत के प्रसंग हैं वो ज्यादा पॉपुलर हैं, रामायण के प्रसंग पॉपुलर हैं, और वो कथाएं जो पुराने टाइम से चली आ रही हैं वही प्रसंग उसके साथ पॉपुलर हैं। अब एक समस्या और आती जा रही है हमारे यहाँ पे कि कलाकार जो हैं इसके अंदर अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और हमारी आर्ट जो है ये बहुत डाइंग आर्ट होती चली जा रही है। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि अब जो स्वांग के साथ जुड़े हुए लोग थे वो आज बुजुर्ग ऑडियंस बच गई है, युवा जो है इसके साथ जुड़ नहीं पा रहा है, युवा जो है फिल्म देखने चला जाता है, युवा टीवी देख रहा है, युवा जो है आजकल वेब सीरीज देख रहा है, तो वो उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो जाए और इन दो दो तीन तीन घंटे के स्वांग की प्रस्तुतियों को देखे। पहले तो पूरी पूरी रात चला करती थी ये प्रस्तुतियां, लेकिन अब किसी के पास इतना टाइम है ही नहीं इन प्रस्तुतियों को देखने का। तो ये एक बड़ा रीजन है कि अब कलाकारों का जो है इसके अंदर से मोह जो है वो भंग होता चला जा रहा है, कलाकार इसमें घटते चले जा रहे हैं और बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति आ चुकी है
कि ऐसे कुछ वाद्य हो गए जिनके कलाकार ही नहीं बचे, वाद्य वाद्य हमें जो है देखने को मिल जाते हैं और कलाकार अब उसके अंदर बचे ही नहीं है। अभी एक क्लारिनेट आर्टिस्ट है हमारे यहाँ ओम प्रकाश जी, बहादुरगढ़ में है और इस टाइम उनका एज है अप्रोक्सीमेट 78 के आसपास जी, और उन्होंने अपने बच्चों को भी आर्ट नहीं सिखाई। तो हमारे इतना साथ दुर्भाग्यपूर्ण है ये देखना भी, बहुत दुर्भाग्य जी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसको क्यों नहीं सिखा रहे हैं, आप इतना सुंदर बजाते हैं, आपसे सुंदर बजाने वाला यहाँ कोई है नहीं। तो बोले कि इसको सिखा के क्या करेंगे मैडम, आजकल तो वो सांग भी देखने कोई आता नहीं है, और दूसरी बात इससे अच्छा तो मैं मैकेनिक बनाया अपने बेटे को कि वो कम से कम 200 रुपये रोज तो कमा लेगा। तो गवर्नमेंट का संरक्षण जो है वो इस आर्ट को मिल नहीं पा रहा है, इसी वजह से जो है आर्टिस्ट इसके अंदर जो है कम होते जा रहे हैं, आर्टिस्ट्स का लैब होता जा रहा है। बीन वादक कोई बचा नहीं है, कहने को बीन बजाने वाले घूम रहे हैं लेकिन वो सुरीले आर्टिस्ट नहीं है जो किसी का आर्ट के साथ जुड़ के गा पाए। ये वो आर्टिस्ट बच गए हैं जो सिर्फ बजाते ही हैं, यानी कि उनको सुरताल से बहुत ज्यादा उनका कोई बहुत ज्यादा लगाव उसको आप मान के चलिए नहीं है। इसी तरीके से हमारी एक और है जिसको हम बंसली बोलते हैं, उसके आर्टिस्ट की अभी डेथ हुई है बेसिकली, उसके बाद अब कोई आर्टिस्ट नहीं बचा है उसको बजाने वाला। सारंगी प्लेयर हमारे हरियाणा में मामन खान जी थे और हमारे शान हम उनको बोलते थे, और उनको राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला। उसके बाद उन्होंने भी अपने बच्चों को नहीं सिखाया, उनके बच्चे भी तबला बजा रहे हैं, सारंगी कोई प्लेयर ही नहीं बचा हरियाणा के अंदर। तो ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है, विडंबना है कि शोज कम होते चले जा रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा इनको जो है सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस वजह से आर्टिस्ट जो हैं वो धीरे 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 ख़त्म ही होते जा रहे हैं। और हमारी ये जो आर्ट फॉर्म बच गई है इसको अब हम डाइंग आर्ट फॉर्म कहना हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि इसको प्रेजेंटेशन करने वाले लोग ही बहुत कम। नहीं मैम, डाइंग आर्ट नहीं कहेंगे, आप जैसे कलाकार हैं जो इसका दिया जला रहे हैं और जगमग कर रहे हैं पूरे देश को, आप एनसीईआरटी किशोर मंच के माध्यम से अपनी आवाज़ पहुंचाएं, सभी जो स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थी हैं वो इस चीज़ की गंभीरता को समझें। जी बताएं मैम। डेफिनेटली प्रॉब्लम कहाँ आती है कृति जी, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अभी जब मैंने सॉन्ग को किया, हम लोग स्कूल कॉलेजेस में भी इसको हमने अप्लाई किया है, सॉन्ग का कॉम्पिटिशन कर दिया, बट जो भी आता है और उसको ये कहा जाता है कि तूने अभी करना है तो कर ले कॉलेज के अंदर, उसके बाद इसको प्रोफेशन नहीं बना रहे हैं। और ये इतना डीप आर्ट है कि जब तक इसको प्रोफेशन नहीं बनाया जाएगा तब तक इसके अंदर सुधार की गुंजाइश नहीं है। इसको सालों साल करते चले जाएंगे, रियाज के माध्यम से ये कटती है चीज, और जब आप लोग एक साल के बाद फिर बच्चा चेंज हो रहा है, एक साल के बाद फिर बच्चा चेंज हो रहा है, तो उससे आप ठीक है कि आप उनको बता रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति है, लेकिन वो संस्कृति अपने उस रूप के अंदर नहीं आ पाती जो उसका एग्जैक्टली रूप है, यानी कि बहुत ही प्राइमरी स्टेज पे रह जाती है। वो हमने उनको तैयार करा दिया लेकिन वो बच्चे उसको आगे प्रोफेशन नहीं बनाते। हमारे यहाँ पे एक चीज कही जाती है, जब मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ, दूर तो मैं क्यों जाऊंगी, मैं बेसिकली गाती थी और मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं म्यूजिक में करियर बनाऊं, तो मैंने म्यूजिक में करियर भी बना लिया, लेकिन मेरे पेरेंट्स ये चाहते थे तुम परफॉर्मिंग आर्टिस्ट नहीं बनोगी क्योंकि इसको हमारे यहाँ पे अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। तो वो बोल रहे कि तुम एक लड़की हो, तुमने इसको टीचिंग के लिए अडाप्ट करना, तो आप अडाप्ट करिए, अदरवाइज आप परफॉर्मिंग के स्टेज पे गाती बजाती नहीं घूमोगी। तो माननी पड़ी पेरेंट्स की बात, और उसके बाद टीचिंग में चले गए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, यूनिवर्सिटी में हो गए, कॉलेज में हो गया, लेकिन मन के अंदर बात थी तो हस्बैंड से बात करी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि महिलाएं जो हैं वो कम्प्लीटली पुरुषों पर आश्रित हैं, यानी कि पढ़ी लिखी होने के बाद भी अगर मेरे पिता कहेंगे तो ही मैं कर पाऊंगी, अदरवाइज मुझे कोई करने नहीं देगा। अब मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया तब मैं कर पा रही हूँ, और अगर ये मतलब मुझे ये एक चीज़ थोड़ी सी खलती है कहीं ना कहीं कि हम क्या चाहते हैं उस बात की जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे यहाँ पे। हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, उस वजह से मैं आज जो है परफॉर्मिंग आर्ट कर रही हूँ और आज मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंसेस करती हूँ। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, बट दैट नॉट मीन्स कि हर लेडी के हस्बैंड ऐसा होगा और उसके मन की बात पूरी हो पाएगी। आप समझ पा रही हैं? जी मैम, मैं बिल्कुल आपकी बात से कनेक्ट कर पा रही हूँ। ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है, विडम्बना है, बिल्कुल है मैम।
मैम आप तो शिक्षित थी, आप एक ऐसे परिवार से थी जहाँ शिक्षा आपको मिल रही थी, आप हायर एजुकेशन की ओर बढ़ रही थी, पर ऐसे कितने कलाकार होंगे जिनकी आवाज मन ही में उठती है और वहीं दब जाती है। तो ऐसी बहुत सी महिलाएं होंगी हरियाणा में, मुझे लगता है हरियाणा में, आप हमारा देश भर में ही बल्कि जी। हाँ, जब हम अपने ही प्रदेश की बात करें, क्योंकि इसको तो मैंने बहुत डीपली देखा है सारी चीजों को, तो जब मैं यहाँ की बात करती हूँ कृति जी, तो यहाँ का जो, जब लोक संगीत की हम दूसरी धारा की बात करते हैं, ये तो था कथानक जिसके अंदर पुरुषी जो थे वो अभिनय करते थे, पुरुष ही उसको सुनने वाले होते थे और पुरुष ही उसके अंदर जो थे सब तरह के अरेंजमेंट्स करने वाले होते थे, यानी कि महिलाओं की भागीदारी इसके अंदर नहीं थी। पुरुष ही जो थे महिलाओं का गेटअप करके, यानी सूट डाल के चुन्नी डाल के महिलाओं के पात्रों को अभिनय करते थे, और महिलाएं होती ही नहीं थी इसके अंदर, ना उनको देखना अलाउड था। यही एक रीजन था कि उसके अंदर वल्गैरिटी भी आ गई, और उसके अंदर जो है, क्योंकि जब महिलाएं नहीं है तो वहां पर जो है भाषाओं की भी एक जो सीमा नहीं रही, भाषाओं की सीमा जो है वो नहीं देखी गई, और ये कुछ रीजन थे कि उसके जो था स्वांग शैली का थोड़ा सा पीछे जाने का, कि हमारी नई जो पीढ़ी है वो उसके साथ इसीलिए भी नहीं जुड़ी क्योंकि वहां पे जो था सीमाओं का उल्लंघन बार 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 किया जाता था, और टीवी के साथ उसका कॉम्पिटिशन हो गया और सिनेमा के साथ कॉम्पिटिशन हो गया, तो वो सोचते थे कि हम ऐसा क्या करें कि ये ऑडियंस यहाँ बंद ही रहे। इस वजह से जो था कहीं कहीं सीमाएं जो थे वो अपनी पार करते चले गए ऑडियंस को बांधने के लिए, हालांकि वो लोग भी मजबूर थे आज जब मैं उनको देखती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी रोजी रोटी चलानी थी, और इसी वजह से जो था ये थोड़ा हाशिए पर चलता चला गया और इसके विघटन का कारण बना ये। दूसरी बात जब मैं कर रही थी लोक संगीत की दूसरी धारा मुक्तक संगीत, ये हमारी ऐसी सशक्त धारा है जिसके अंदर लोक गीत आते हैं, और आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि ये एक ऐसी धारा है जिसको बनाने वाली भी महिलाएं हैं, जिसको संरक्षित करने वाली भी महिलाएं हैं, जिसको परिमार्जित करने वाली भी महिलाएं हैं, और जिनके बिना ये लोक संगीत जो है हमारी ये धारा पूरी ही नहीं हो पाती जी। इसके अंदर आप मान के, इसके अंदर आप मानिए संस्कार के गीत हैं, वेशभूषा से संबंधित गीत हैं, और हमारी दिनचर्या से संबंधित गीत हैं, हमारे तीज त्योहार से संबंधित गीत हैं, हमारे शोक से संबंधित, हमारी खुशी से संबंधित, पुत्र जन्म के गीत हो गए, उलानों से संबंधित गीत हो गए, और वीर रस से संबंधित गीत हो गए, कृषि से संबंधित गीत हो गए। हमारे यहाँ महिलाएं कृषि का काम भी करती हैं, और ऑलमोस्ट जितना कृषि का काम है वो पुरुषों की अपेक्षा यहाँ महिलाएं ही करती हैं, क्योंकि श्रम साधक हैं, और खेतों के अंदर बिजाई और बुआई से लेके पशुपालन जो है हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा, जो अब आजकल आप देखते हैं पशुपालन अपने चरमोत्कर्ष पे है, उसका सबसे कारण, बड़ा कारण महिलाएं ही है, क्योंकि घरों में रह के वो बात बात में ही सब अपने जानवरों को संभालती हैं, कोई बाहर से उनके पास कोई असिस्टेंट या कुछ नहीं होता, वो अपने बस अपने ही दम पे जो है सारा कृषि साधक जितना भी है वो कृषि साधक हैं और उन कामों को करती चली जाती हैं। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं मुक्तक संगीत की, तो यहाँ पे क्या था कि रूढ़िवादी और परंपरावादी हमारा समाज है यहाँ का, महिलाओं को भावों को व्यक्त करने की जो थी स्वतंत्रता तो थी ही नहीं जी। अब हुआ क्या कि अपने भावों को तो महिलाएं भी व्यक्त करेंगी, तो जब ये चार या पांच महिलाएं इकट्ठी होती या ग्रुप में इकट्ठी होती, तो अपनी बातों को लोक संगीत के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से इशारों इशारों में कह जाती और उलहनों की बात भी कर जाती, जैसे कि अपने हस्बैंड को अगर उसने कोई उलहना देना है तो वो किस तरीके से देती है। देखो आपको एग्जांपल देती हूँ मैं जी, गाय मैम। और हाँ, तो एक लोक गीत है हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, वो यहाँ पे हरियाणा के करीब बैठे हैं आप बहुत, तो वो एक लोक गीत मैं सुनाती हूँ। मत छेड़ बलम मेरा चौंदड़े ने, नाते हो जागी तकरार जले, कह रही कि नहीं तो आज लड़ाई हो जाएगी, अगर चूलर को हाथ लगा दी तो लड़ाई आज ही हो जाएगी जी। हाँ, वैसे लड़ाई कर नहीं सकती, तो गीत के माध्यम से कह रही है, बहुत खूबसूरत। नाते हो जागी तकरार जले, मत छेड़ बलम मेरे चौंदड़ ने, ओ
जागी तकरा जले जानू सो तेरी बातन जानू सो तेरे बातन कदे भीतर जैसे कदे बाहर जले मत छे साथ साथ उसको गाली भी निकाल रही है उसको ताना भी कस रही है कि जले बोल रही है उसको यानी कि ताना भी कस दिया उलहना भी दे दिया और प्यार प्यार से अपनी बात भी कह दी। तो ये एक तरीका है यहाँ के लोकगीतों का महिलाओं का बात करने का कि किस तरीके से लोक संगीत का सहारा लेके उनको अपनी बात कहते चले जाना है और बहुत सुंदर ढंग से अपनी भावनाओं को जो है ये व्यक्त करती है। किसी को सास पसंद है किसी को ससुर पसंद नहीं है तो वो सारी बातें जो है इन लोक गीतों के माध्यम से जो है वो सामने आती चली जाती है। जी बहुत श्रृंगार रस प्रधान भी रहा हरियाणा का लोक संगीत जो है, मतलब नायिका कहीं ना कहीं घर परिवार की पति की प्रेम की यही सब चर्चाएं करती है। कुछ और सुनाएं मैम, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर आपके। डेफिनेटली अभी जब हम बात कर रहे हैं लोक गीतों की तो यहाँ पर हम बात करते हैं संस्कारों की। संस्कार जहाँ बंधे होंगे तो वहाँ लोक गीत बन जाते हैं। तो हमारे कुछ बेसिक संस्कार हैं जैसे कि पुत्र जन्म से रिलेटेड हो गए संस्कार, पुत्र या पुत्री जन्म से उसमें जच्चा हो गया पीलिया हो गया। उसके अलावा विवाह संबंधी संस्कार है। विवाह हमारे यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट, सबके यहाँ ही बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ जो है ऐसी रीतें हैं ऐसी रस्में हैं जिसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। जैसे कि भात की हमारे यहाँ रस्म होती है। भात के अंदर क्या होता है कि बहन जो है अपने भाई को शादी के लिए, चाहे उसका बेटे की शादी हो चाहे बेटी की शादी हो, तो उसको न्योतने के लिए जाती है, यानी उनको उसके परिवार को वहां बुलाने के लिए जाती है। और उस रस्म के अंदर क्या होता है कि हमारे यहाँ क्या करते हैं कि भात इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि उसके ऊपर सबकी नजर रहती है, पूरे समाज की नजर रहती है उस बात पे कि पीहर वाले यानी मायके वाले क्या दे के जाएंगे। यानी कि आप ये मान लीजिए कि मायके वालों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है इस बात का कि शादी लगभग आधी शादी लगभग मायके वालों के जो है सहयोग से होती है। इसको आप भात मान लीजिए, जो जितना ज्यादा भात लेके आता है यानी जितना ज्यादा अपनी बहन को सपोर्ट करता है वो समाज में उतना ही जो है रेप्यूटेटेड उसकी बहन का जो है रेप्यूटेशन बनती है। तो एक तरीके से ये प्रेस्टिजियस इशू होता है हमारे यहाँ पे शादी में। हालांकि मैं इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ और कभी भी प्रेशराइज इसमें करना नहीं चाहिए, मैं इसको कुरीति मान के चलती हूँ अपने यहाँ पे अपने लेवल पे। और लेकिन जो है ये सचमुच में बहुत इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ का कि एक लेडी के लिए अपने पीहर से अच्छा भात लेके आने का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है और उसी के ऊपर उसका जो है सारी ये रेप्यूटेशन डिपेंड करती है। पूरे समाज के अंदर पूरा समाज खड़ा होता है कि पीहर वाले क्या लेके आ रहे हैं। तो वो अपने भाई को यहाँ न्योतने के लिए जा रही है। बहुत ही मार्मिक गीत है, बहुत सुंदर गीत है और वो अपने भाई को जो है भगवान के बराबर मान रही है और उसको कह रही है कि मैं तेरे को किस ढंग से न्योतूं कि मतलब तू मेरे लिए भगवान के बराबर है, मैं तेरी किस तरीके से पूजा करूं। तो ऐसा एक गीत है, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। क्या ही तेन्यो तू बाबल राजा, क्या है चाचा ताऊरी हेरी बीर, क्या है तेन्यो तू मेरी माँ का जाया, जिस ते मैं उजली यानी मेरा उजाला जो है वो तेरे आने के बाद ही मेरे मायके मेरे ससुराल में होगा और तू आ और वहां पे जो है हमारे यहाँ पे आके मतलब मेरी जो है रिस्पेक्ट दिखा वहां पे और मेरी जो है रेप्यूटेशन को और ऊपर कर दे। तो वो कह रही है कि मैं किस ढंग से तेरे को यहाँ पे तेरी पूजा करूँ, इस ढंग से वो बात कह रही है। अब क्या कह रही है आगे देखिए, क्या किस विध आवे बबल राजा, किस विध आवेगा तू। लोकगीत है ना, तो उसको एक एक चीज की चिंता है कि तू कैसे तो आएगा क्या कैसे खाएगा, जी है ना? जी और किस बिल्कुल से कौन कौन आएगा साथ में। तो वो इस बहुत मार्मिक है, मतलब मैं भी सुन रही हूँ तो मेरा दिल भी भर रहा है सुन के, हमारे दर्शक भी सुन रहे होंगे बहुत पसंद कर रहे होंगे। जी तो उसको कह रही है कि
किस विध आवे बबल राजा, किस विध आवे गातू हेरी बिर गाड़ी चढ़ आईयो मेरी माँ का जाया, जिस ते मैं उजली। वो कह रही कि और किसी चीज पे गाड़ी में चढ़ के आना है। जी जी जी, बहुत मतलब खूबसूरत। जैसे हमारे भाव है वही हमारा लोकगीत है जी। और इसी तरीके से उसके खाने की चिंता है, वो उसको कह रही कि तू क्या खाएगा। तो हमारे यहाँ कसार देते हैं कि भाइयों को, जैसे आप उसको आप पिनिया बोल दे, पंजीरी बना ले जी। तो यहाँ कसार होती है, तो स्पेशली वो भात के समय पे दिया जाएगा, न्यूट्रिशियस बनाई जाती है। तो कहती है कि मैं तेरे लिए कसार बनाऊंगी, बाकियों को तो लड्डू भी ला दूंगी। अच्छा, क्योंकि तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी बहुत सारी रस्में और रीतियां होती चली जाती हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले तो भात न्योतने चल पड़ी, लड़का फाइनल हो गया। अब इधर से बारात आ गई, बारात भात आ गई, सॉरी भाई आ रहे हैं। भात अभी तो न्योतने गई ना, अब भाइयों ने आना है। अब भाइयों ने आना है तो देखिए वो क्या कह रही है। कह रही है गलिया रस के आइए के भाती आवेंगे, कि मैं पूरी गली को साफ करके आ गई हूँ कि आज मेरे भाती आएंगे, यानी आज मेरे भाई आएंगे, भाई आने वाले हैं। कहाँ दूर दूर तक मैं सफाई करके आई हूँ, तो अपने परिवार में बता रही है वो। गलिया रस के आइए के भाती आवेंगे, मेरा चूंडा फड़के के चूंदड़ लियावेंगे। पूरे परिवार के कपड़े वपड़े लेके आते हैं। तो इस तरीके से वो अपने भाइयों का वेलकम करती है, और इस तरीके से और गीत होते चले जाते हैं। अब बारात आ गई, बारात आ गई, और वहां पे भी सीटने होते हैं। सीटने यानी कि उलाने हो गए, जो आपस में वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच में होंगे जी। जैसे कि अभी वो कहेंगे पसेरे ढाई सेरे री पसेरे, हमने बुलाए लंबे लंबे, हमने बुलाए लंबे लंबे या छोटे छोटे आए री पसेरे, हमने बुलाए भूरे भूरे और ये काले काले आए ये पसेरे। यानी कि हमने सुंदर सुंदर बुलाए थे, काले काले, काले, काले आ गए जी। हाँ, तो काले काले आए पसेरे, पसेरे ढाई सेरे पसेरे। तो इस तरीके से ब्याह हो जाता है, विदाई होती है, विदाई के गीत है। लड़की की विदाई होती है तो उसके अलग गीत है, फेरों के गीत अलग हैं। तो ऐसे बहुत सारे गीत हैं। तो एक विदाई का गीत मैं आपको बता जी, जाते जाते एक विदाई गीत गाएं। मैम समय की सीमा है, हमारा कार्यक्रम समयबद्ध है, अब लगभग एक दो मिनट ही बचे हैं, एक विदाई गाएं जाते जाते जी। तो विदाई के गीत बहुत सुंदर लिखे जाते हैं, कि इसमें लड़की जो है अपने घर से विदा हो रही है। तो विदाई का एक गीत बताती हूँ। बाबल मेरे तेरी मैं जाई, बाबल मेरे तेरी मैं जाई, पाली और पोसी क्यों कर दी पराई, बाबल दे दी जुदाई क्यों कर दी विदाई, बाबल मेरे तेरी मैं जाई, बालकपन में डांटा करता छोटी सी गलती पे मारया करता, रोती ने पूछ कर्या करता इब क्यों बबल तेरी आंख भर आई, इब होगी पराई मैं होगी पराई, बबल मेरे तेरी मैं जाई। बहुत खूबसूरत मैम, और बहुत मधुर था, मैं खुद भाव विभोर हो रही हूँ सुनकर। और आपकी आज की इस चर्चा से मुझे लगता है, एक फिलोसोफर हुए हैं विक्टर हुगो, उन्होंने कहा है कि संगीत वह सब व्यक्त अभिव्यक्त करता है जिसको शब्दों में आप नहीं बयां कर सकते, पर जिस पर चुप भी नहीं रहा जा सकता।
तो वही किया हमारी हरियाणा की महिलाओं ने भी, कि जिन पर वो चुप नहीं रह सकती थी और बयां भी करना था तो लोकगीत बना डाले। तो आप आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी, बहुत अच्छा सेशन रहा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर मंच आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है। धन्यवाद आपका भी। और आप साथियों कहीं ना जाएं, इसी तरह के रचनात्मक रोचक सेशंस आपके लिए दिन भर किशोर मंच लेकर आता रहेगा। अगला जो सेशन रहने वाला है, हेल्थ और मेंटल वेलबींग की बात की जाएगी, मूवमेंट्स अवेयरनेस इन चिल्ड्रन। कहीं ना जाएं, हमारे साथ यूं ही बने रहें, लौट कर आते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। नमस्कार।